सज गई दोस्तों बज़्मे नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अहदिना अहदी मा फी इल्मिल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हमद व सलात के बाद कुरान मुकद्दस की मशहूर आयत पाक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए इस पर गुफ्तगू करने से कबल हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए और हम शुरकाए बज़्म को हक सुनकर हक को कबूल कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का एहसान उसका फजल है कि आज ये दूसरी बज़्म है जिसको हमने और आपने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु ताला के नाम से मंसूब किया है। और कल एक उन्वान था कि गौसे पाक की आमद से कबल आपके औसाफ़ व कमालात, तो मैंने अपने इल्म के मुताबिक चंद वाक़यात आपके गोशे गुज़ार करने की कोशिश की। आज का जो ये दूसरी नशिश्त और महफिल का उन्वान मुंतखब किया गया वो ये है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु ताला की के वालदैन और आपके बचपन के अहवाल। इंशाअल्लाह ताला इसी उन्वान के तहत वक्त के दायरे के अंदर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल दिल जमाई और तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाप्त फरमाएं। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी जो आम तौर पर जब भी औलिया अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो खुतबा हजरात आम तौर पर इसी आयत मुबारका का इंतखाब करते हैं और इसी के मातहत फिर अपनी गुफ्तगू के आगाज से लेकर उसे इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। इस आयत मुबारका में कुछ चीजें इतनी खूबसूरत और ईमान को ताजगी बख्शने वाली है कि अगर हम उसे दिल लगाकर समझ जाए तो औलिया की मोहब्बत, अल्लाह वालों से प्यार और उनकी कुर्बत के क्या फायदे होते हैं यह हमें मालूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम में आगाही के साथ औलिया का जिक्र सुनने और करने का हुक्म दिया, यानी लफ्ज़े अला, तो ये भी कुरान पाक का एक कायदा है और अरबी जबान का कि जहां लफ्ज़े अला अलिफ लाम अलिफ आए तो इसका माना होता है आगाही, खबरदार करना, मुतवज्जे करना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उस मकाम पर इस लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया। रब्बे कायनात ने आयत मुबारका में इन लफ्जों का इंतखाब किया कि जब बंदों से कोई मखसूस खिताब रब्बे कायनात को करना है, यानी औलिया की शान इस आयत मुबारका के इब्तदाई हर्फ से और इब्तदाई जुमले से ही साबित हो रही है कि इनका जिक्र, इनकी महाफिल और इनकी मोहब्बत कितनी जरूरी है, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े अला के साथ इनकी पहचान और इनके मरातिबों को बयान फरमाया और फरमाया अला आगा हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, अब सुनो,
तुम्हारा रब तुमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस आयत मुबारका का इतलाक हर उस मजलिस में है, हर उस मकाम के लिए है जहां औलिया का जिक्र हो रहा हो। और अगर तवज्जे बटे तो अज़रुए कुरान वो शख्स गुनाहगार है, इसलिए कि रब का हुक्म है आगा हो जाओ, खबरदार हो जाओ। तो ये आयत मुबारका हमें अदब भी सिखा रही है और ये भी बता रही है कि जब भी औलिया का जिक्र करो या सुनो तो बिल्कुल तवज्जे के साथ उस तरफ अपने ज़हन दिमाग को मुतवज्जे करो। अल्लाह फरमाता अला इन्ना औलिया, आगा हो जाओ बेशक अल्लाह के वलियों को, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ है ना उन्हें कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाया, व कानू यत्तकून और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अल्लाह फरमाता इनके लिए खुशखबरी, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि इन्हीं लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में। और रब्बे कायनात ने इस जुमले पर मोहर लगाते हुए फरमाया ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, और अल्लाह के कलिमात कभी तब्दील नहीं होते। अल्लाह ने औलिया की सिफत बताई कि जो अल्लाह वाले होंगे उनके अंदर ना कोई खौफ होगा और ना कोई मलाल और ना कोई गम होगा। और ये कौन होंगे? अल्लज़ीना आमनू, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाया। तो बताएं हमने और आपने ईमान लाया या नहीं लाया? हम सब ने ईमान लाया। और अल्लाह उन्हीं लोगों के बारे में कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाया, और साथ में क्या कैद लगाई? सिर्फ ईमान नहीं, वकानू यत्तकून, ईमान के साथ साथ जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया ये वो लोग हैं। और ये भी सुने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लफ्ज़े वली के कई माना बयान फरमाते हैं, जिसमें तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 126 के करीब माना आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लफ्ज़े वली के बयान फरमाए, जिसमें मशहूर तो यह है कि वली का माना दोस्त, एक मशहूर है कि वली का माना मददगार। समझ आई? ये दो मशहूर जो आम तौर पर, इसके अलावा कई एक ऐसे माना है कि जो अहले इल्म के लिए ही बेहतर है, आम अवामुन नास और आम लोगों का उससे कोई साबका नहीं। तो अब इसके दो माना, एक मददगार और एक दोस्त। बहैसियत माना, इस जुमले को तवज्जे के साथ दिमाग में रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, बहैसियत माना हम सब वली हैं, बहैसियत माना हम सब वली हैं। एक जगह हुआ था मेरे साथ ये, मैं बयान कर रहा था और मैंने ऐसे यही जुमला कहा कि बहैसियत माना हम सब वली हैं, तो जिनके समझ आया वो तो ठीक थे, लेकिन जिनके समझ नहीं आया तो वो कुछ बड़े मौलाना हजरत लोगों के पास गए, वो इत्तेफाक से सामना हुआ तो उन्होंने मेरा सामना कराकर बताया ये हजरत थे जिन्होंने हमें तकरीर में वली बना दिया। तो मैंने कहा तुमको खुश होना चाहिए, इसमें भी शिकायत करना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए। बहरहाल तो इसलिए मैंने कहा बहैसियत माना हम सब वली हैं, क्योंकि वली का माना होता है दोस्त, ठीक। और हमने सबने अल्लाह तबारक व ताला की दोस्ती, उसकी बंदगी कबूल की, किस जुमले से? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़कर हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। और अल्लाह बता रहा है कि वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाया, तो जिसने ईमान लाया वो अल्लाह का वली है, बिला शुबा वो अल्लाह का वली है, लेकिन उस दर्जे पर पहुंचने के लिए उसके लिए तकवा जरूरी है। उसने अल्लाह ने फरमाया ईमान तो लाए हो, वकानू यत्तकू,
तकून और साथ में तकवा इख्तियार कर लो, और जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम कामिल मनसबे विलायत पर फाइज होगे। और फिर जो रब ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के ना उनके अंदर गम होगा ना डर, वो तमाम चीजें रब कायनात हमसे दूर कर देगा। समझ आई बात? तो औलिया जो है अल्लाह के वली, इनके अंदर ना कोई गम होता है ना कोई मलाल, ये ईमान के साथ साथ तकवे को इख्तियार करते हैं। और कल तकवे की डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी बताई भी थी कि तकवे का आसान माना है अल्लाह का डर। क्या है? अल्लाह का डर। इसको और मैं आसान करता हूं, कितना डर, कितना डर अल्लाह का जिसको हम तकवा कहें हमारी हैसियत के मुताबिक। तो एक मिसाल मैं आमतौर पर देता हूं, रमजान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, और जिनका दीनदार घराना है, जिनके वालिदैन की तरबियत अच्छी है, तो वो लोग रोजा रखते हैं। क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। रमजान के महीने में आप हालत रोजे में हो और एक बंद कमरे में आपको कोई ना देखे, किसी को ना मालूम हो कि आप इस कमरे में मौजूद हो, वहां पानी भी हो, वहां खाने की अशिया भी हो, और फिर आपको ये कहा जाए कि तू खा ले, तू सैर होकर पानी पी ले, लोगों को मालूम नहीं है कि तू खा पी कर निकला है, तुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उस बंदे का जवाब क्या होगा? उस बंदे का जवाब ये होगा कि बदाहिर मुझे कोई नहीं देखता लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। और अल्लाह ने रोजे का मकसद भी बयान यही किया, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और वो देखें कि रोजा तकवा पैदा कर देता है कि बंद कमरे में भी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, फिर भी आप खौफजदा हैं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। बस इतना खौफ अगर बंदे की जिंदगी के हर लम्हे में शामिल हो जाए तो वो मुत्तकियों की फहरिस्त में आ जाता है। सिर्फ इतना डर जो हालत रोजे में है ना, बंद कमरे में, सिर्फ इतना डर हमा वक्त बंदे के अंदर रब का रहना रहने लगे, हर वक्त वो अपने रब को याद रखे, तो वो मुत्तकियों की फहरिस्त में आ गया। और फिर आप हकीकत देखें कि खुदा ने फरमा ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात तब्दील नहीं होते। तो इतना कर अगर हम देखें हकीकत मानों में, दुनिया का हाल जो भी हो लेकिन ना हमें गम होगा ना हमें मलाल होगा और ना दुनिया भी कोई चीज हमें डरा पाएगी। और तारीख शाहिद है, तारीख शाहिद है कि जो लोग इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुस्तफा की नामूस की हिफाजत के लिए, जिन लोगों ने अपना घर लुटाया, अपने सर कटाए, अपने खानदान उजाड़े, अगर आप उनका किरदार पढ़ें तो वो ईमान वाले होने के साथ साथ मुत्तकी मिलेंगे और उसी तकवे ने उन्हें दुनिया के तमाम खौफ और मलाल से दूर कर दिया। और ये जब दूर हुए तो उन्हें अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ आया और राहे खुदा में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो औलिया की शान, औलिया की मोहब्बत और उनका मकाम इतना बुलंद है कि रब्बे कायनात उनका जिक्र करने से पहले हमें आगाही दिलाता है और कहता है सुनो मेरे वलियों को ना कोई गम ना कोई खौफ है। और हम जिसका तस्किरा करने बैठे हैं, मैं इब्तिदा में इसलिए तमहीदी बात कर जाता हूं कि ये तसव्वुफ जो कुरान ने दिया है शायद फिर कहीं से नहीं मिलता। कुरान ने जो औलिया की शान और अल्लाह वालों के मकाम बताए हैं फिर वो और कहीं से नहीं समझ आएंगे। और बाद में पुख्तगी अलग हो जाती है कि मैं हम मोहब्बत के लिए किसी का तस्किरा और जिक्र करने नहीं बैठते। उन्हीं औलिया में दराजात हैं और सबसे बड़ा दर्जा जो वलियों में होता है वो दर्जा होता है कुतुबियत का। कौन सा दर्जा होता है? कुतुबियत का, यानी ये दर्जा गौसियत से भी बड़ा होता है। गौसियत से भी बड़ा दर्जा कुतुबियत का होता है। फिर आपने तो अभी तक ये सुना हुआ है कि मनसबे गौस ये सबसे बड़ा दर्जा है, फिर कुतुबियत ये सबसे बड़ा कैसे हो गया?
तो याद रखें कि विलायत में सबसे बड़ा मनसब कुतुबियत है, और जब तमाम कुतुब मुत्तफिक होकर किसी को अपना इमाम मान ले तो वो सरदार अख्ताब बनता है और फिर उसे ही मनसबे गौसियत अता किया जाता है, उसे ही मनसबे गौसियत अता किया जाता है। और गौस का मनसब कई एक को मिला, कई एक को मिला, लेकिन गौसे आजम का मनसब, गौसे आजम का मनसब सिवाय शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला के किसी को नहीं मिला। और आपको ये मनसब कैसे मिला है, खूबसूरत रिवायत और सुन लें। ये कली मैंने इस रिवायत को सुना कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला आपकी मां की तरफ से रिश्ता है, यानी आप मां की जानिब से हुसैनी हैं और बाप की जानिब से आप हसनी हैं। अब अगर आप शजरा उठाकर देखेंगे तो 12 अइम्मा अहले बैत, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम नकी अली, इमाम तकी अली, इमाम रजा अली, मूसा काजिम, इमाम जवाब, और ये इमाम हसन अस्करी, और ये सिलसिला पहुंचेगा इमाम महदी तक। ये जो 12 अइम्मा अहले बैत हैं, इनमें से अभी जितने भी आ चुके हैं इमाम महदी को छोड़कर, ये सब के सब इमाम हुसैन की औलाद। ये किसकी औलाद है, सबकी सब इमाम हुसैन की औलादे हैं। इनमें से कोई भी इमाम हसन की औलादों में से नहीं। तो इमाम हसन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आने वाली नस्लों का इल्म भी अता किया, और फिर जो कयामत तक आएंगी आप उन्हें भी जानते हैं। आपने बारगाह खुदा में अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम, ये इमामत मेरे भाई हुसैन के नसब में रहेगी, मेरे नसब में कोई इमामत क्यों नहीं, यानी मेरे नसब से कोई इमाम क्यों दुनिया में नहीं आया। जब आपने ये आरजू की तो आपको हुक्म दिया कि ऐ हसन तेरे लिए एक खास इनाम, क्या फरमाया, तुम्हारे लिए एक खास इनाम है। कहा वो खास इनाम क्या, कहा ये तमाम अइम्मा की जामियत तुम्हारे एक बेटे में जमा की जाएगी, और उस बेटे का नाम अब्दुल कादिर होगा जो तुम्हारी नस्ल से दुनिया में आए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, नारे गौसिया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ये शान के 12 अइम्मा की इज्तिमाइयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अंदर कर, आपके वालदैन इतने मुतबर्रक और पारसा। और ये हकीकत बात भी है कि जब बुनियाद ही पाकीजगी के साथ रखी जाए तो उस पर बनने वाली इमारत में कभी खसारा पैदा नहीं होता। आपके वालिद और वालदा दोनों का हाल ये है कि इनके तकवे की मिसाल नजर नहीं आती, इनके परहेजगारी की मिसाल नजर नहीं आती। वो सेब वाला वाकया तो कई मरतबा आपने सुना है, लेकिन उसके अलावा भी एक सेब की खातिर, जबकि अजरुए शरा अगर आप उलमा से पूछें तो वो कहेंगे कि उनका वो सेब खाना जायज था। और फिर आम में अगर बागीचे से बाहर किसी के फल पड़े हों और वहां ये कल्चर हो कि बाग के बाहर के फल बिला इजाजत भी अगर कोई खा ले तो उस पर कोई हरज नहीं है, तो वो खा सकता है, उसके लिए जायज है। आपके लिए जायज था, आप खा सकते थे। इस्लामी अखलाक व आदाब एक हदीस की किताब है, अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमा गालिबन उन्होंने इस किताब को लिखा है, उसके अंदर इस हदीस और इस पर पूरा मसला ये फलों को खाने का आपने बयान फरमाया। तो आप कसूरवार नहीं थे और भूखे थे, तो भूख में वैसी अकल काम नहीं करती, रमजान में एक दूसरे पे घुर्राते कि नहीं असर के बाद, बस उसकी वजह यह है भूख कि दिन भर से कुछ होता नहीं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। लेकिन जो कई कई दिन भूखा, कई कई दिन भूखे रहे हों, तो जाहिर है कि उनकी अकल भी कमजोर होगी, ज़ईफ होगी। आपने खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ, अकल काम करी, आप गए सालों खिदमत की, फिर एक ऐसी औरत से हजरत अब्दुल्ला सुमाई जो आपके ससुर
और गौस पाक के नाना है, उन्होंने अपनी बेटी से निकाह किया जिनका नाम फातिमा और आपकी कुन्नियत उम्मुल खैर है, जो निकाह फरमाया और निकाह फरमाया तो क्या कहकर के अंधी लूली लंगड़ी बहरी है, यानी जिस्म का कोई भी आजा सलामत नहीं। आपने देखा देखा बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील है, आकर जब सवाल किया तो बाप अपनी बेटी की पारसाई बयान करता है और कहता है गैरों को देखा नहीं इसलिए अंधी कहा, कानों से गीबत नहीं सुनी इसलिए बहरी कहा, अपने हाथों से कोई गैर शरी काम नहीं किए, अपनी जबान से किसी की बुराई चुगली और गीबत नहीं की। ये तमाम सिफतें माँ में थी और बाप का हाल ये है कि एक सेब के लिए जिंदगी लगा दी, तो फिर इनके मिलन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलाद का तवल्लुद फरमाया। और ये एक सबक है बड़ा, ये महज हिकायत या वाकया नहीं, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आज भी अगर औलाद तबाही के कगार पर है तो उसकी तबाही के जिम्मेदार खुद वालिदैन भी हैं। चूंकि जमीन में अगर आप बासमती लगाओगे तो बासमती ही उगेगा, और अगर कंट्रोल का दाना डालोगे तो फिर वो मोटा चावल ही वजूद में आएगा। यानी कहावत है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये बात हकीकत है कि वालदैन की तरबियत, उनकी गजा और उनकी पारसाई पर उनकी नस्लों का दारोमदार है। अगर बाप नाजायज तरीके से कमाता हो और माँ फिस्क व फुजूर में मौजूद हो और फिर वो चाहे कि हमारे घर सलाहुद्दीन पैदा हो जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए कि तारीख में अल्लाह ने जिसे भी इस्लामी परचम को बुलंद करने के लायक बनाया है, आप उसके साथ साथ उसके माँ बाप का किरदार पढ़ें तो सिवाय पारसाई और तकवे के कुछ और नजर नहीं आएगा। और हलाल लुकमे की बरकत होती है जो ईमान भी कल्ब में उतरता है और अमाल की तरफ भी बंदे को रगबत होती है। सरकार गौस पाक के वालिद का सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि आपके वालिद के तकवे का हाल ये था। हजरत अबू सालेह, जिनका लकब जंगी दोस्त हुआ, ये जंगी दोस्त लकब की दो वजह बयान फरमाई। एक तो आपको जंग से बड़ी उंसियत थी, बड़ी मोहब्बत थी, हमा वक्त आप अल्लाह की राह में जिहाद के लिए आमादा होते और अपने जिस्म पर जंग के तमाम साजो सामान लादे रखते और अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते। और दूसरा ये बयान किया गया कि आप अपनी नफ्स से इस हद तक जिहाद करते थे, इतनी जंग करते थे, तो वो नफ्स से जिहाद की वजह से आपको जंगी दोस्त कहा गया। अब नफ्स से जिहाद का मसला क्या था, तो बयान फरमाते हैं बाहजतुल असरार के अंदर आपके वालिद की सिफत के, सरकार गौस पाक के वालिद का हाल यह था कि एक एक साल, कितना, एक एक साल आप बगैर खाए गुजारते थे। कितने, एक एक साल बगैर खाए गुजारते थे। और जब हालत हद से ज्यादा निढाल होती तो फिर कुछ तनाउल कर लिया करते थे। यही आपका हाल था कि तकरीबन साल भर गुजर रहा था, आपने कुछ नहीं खाया, कमजोरी और ज़ईफ इतनी आ गई कि लागिर हो गए। अब दिल ने चाहा कि कुछ खा लिया जाए ताकि जिस्म में तवानाई आए। करीब ही एक शख्स एक तश्त में ठंडा पानी और कुछ गजाएं लेकर आपके पास हाजिर हो गया। आपने जब उसे देखा, देखने के बाद इतने अरसे का भूखा और अच्छी गजाएं जब आ जाए तो आदमी टूट पड़े, लेकिन उन्हें फिर अपने नफ्स ने मलामत की और आपने ठंडे पानी को छुआ और कीमती खानों को जब देखा तो फौरन उसे तर्क कर दिया। और तर्क करने के बाद कहते हैं कि मैं माजरत चाहूंगा, अगर मुझे तुम खिलाते हो तो गर्म पानी ले आओ और जो कच्ची ले आओ ताकि मैं उसे खाकर पानी पी लूं, बस यही मेरा हाल है। इतना आपने कहा और आप खामोश हुए हैं कि इतनी खशी आई कि उस भूख की कमजोरी और लागिरी की वजह से आप जमीन पर गिर पड़े। जब गिरे तो आंखें बंद हुई, क्या देखा कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं और फरमाया, अबू सालेह उठो, ये गदाएं हमने तुम्हारे लिए भेजी है और इतना तवील रोजा तुम आज तन्हा इफ्तार नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ रोजा इफ्तार करेंगे। और
انبیاء کے ساتھ انہوں نے پھر اپنا اتنا طویل روزہ افطار فرمایا. یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ کے تقوی کی لاج رکھتے تھے اور نفس سے اتنا جہاد آپ فرماتے تھے. والدہ کا حال کیا تھا؟ والدہ نے جہاں پوری زندگی باپ کے گھر بڑی پارسائی کے ساتھ گزاری اور جب حضرت ابو صالح سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد وہ حضرت ابو صالح کے گھر آئی تو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کی والدہ کو کسی نے نہیں دیکھا. پوری زندگی آپ کی والدہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا پھر آپ یہ بھی بات ایک پوائنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے کئی سال غوث پاک کی سیرت سنی ہے, عام طور پر سنتے ہو. جب غوث پاک بغداد چلے گئے پھر لوٹ کر آئے کہ نہیں؟ پھر واپس اپنی ماں کے پاس آئے کہ نہیں؟ اور ماں بغداد گئی کہ نہیں؟ یہ بات پر میں نے ذہن لگایا کہ 18 سال کی عمر میں گئے اور تقریباً آپ کی عمر 93 سال رہی, 93 سال, اتنی طویل عمر غوث پاک نے پائی. تو لوٹ کر آئے یا والدہ گئی؟ ابھی تک تو مطالعے میں نہیں آیا. آپ کیا آئے حضرت؟ نہیں آیا. اب ہو تو یہ میں مطلق انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اس پر جو عقل لگانے کے بعد جو حاصل کلام اس پر پہنچے ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر, جب انہوں نے یہ مسئلے کو حل کیا تو انہوں نے کہا کہ تقوی ابتدا کا دیکھ لو, نکاح سے پہلے کا, پھر نکاح کے بعد کا, اور جب غوث پاک بغداد چلے گئے تو گھر میں کوئی خاوند موجود نہیں تھا اور آپ نے محض مصطفیٰ کی شریعت کو پامال نہ ہونے کے لیے کی وجہ سے اور اسے ملحوظ رکھنے کے لیے پوری زندگی چار دیواری میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت کر لی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر آنچ نہیں آئی. پوری زندگی گھر میں گزار دی لیکن اپنے بیٹے کا حال پتا بھی کرنے نہیں گئی. ہاں بعض اوقات قافلوں سے امداد مدد اور تحریک پہنچاتی رہی, جو انشاءاللہ میں آئندہ جو واقعات ہوں گے اس میں بتاؤں گا. تو یہ آپ کی والدہ کی پارسائی تھی, اور جب ایسی متبرک نفوس آپس میں ملے تب اللہ رب العزت غوث پاک جیسی اولاد کا تولد فرماتا ہے. سرکار غوث پاک کی ولادت 470 یا 71 ہجری میں ہوئی, جو میں نے کل بتایا تھا, اور آپ کی ولادت کے وقت سے ہی آپ بڑے ہی تحمل اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. رفتہ رفتہ جب آپ کی عمر بڑھی تو اس میں ایک چیز اور بھی یہ سن لیں کہ اولیاء اللہ کے بچپنی کے جو احوال ہوتے ہیں خاص طور پر, یہ زیادہ تر قیاس پر مبنی ہوتے ہیں. کس پر؟ قیاس پر. چونکہ عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بچہ ہے کون, جنہیں معلوم تھا وہ تو معلوم رکھتے ہیں لیکن عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو آپ بڑی بڑی کتابوں میں بھی اگر تلاش کریں تو بچپن کے احوال غوث پاک کے اتنے کثرت کے ساتھ نہیں ملتے جیسے کہ تسلسل کے ساتھ ہمارے نبی امام الانبیاء کے بچپن کے واقعات احادیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں. قیاسن اور کچھ جو ہیں وہ نسلن بعد نسلن نقل کیے گئے, تو وہ واقعات بچپن کے آپ کے موجود ہیں. آپ نے پورا بچپن گیلان میں گزارا اور 18 سال کی جوانی تک آپ گیلان میں ہی رہے, لیکن بچپن میں آپ کا حال جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی عمر جب 4 سال کی ہوئی, کتنی؟ 4 سال کی, تو 4 سال میں بسم اللہ خانی کرائی گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال 4 ماہ 10 دن میں عام طور پر بزرگان دین بسم اللہ خانی کرایا کرتے تھے, اور یہ صوفیہ کا ایک عمل خاص تھا کہ جب ان کے گھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو گھر کا کوئی بزرگ یا شہر کا کوئی بڑا عالم وہ گھر آتا اور باقاعدہ اس میں لوگوں کی دعوتیں ہوتی, علماء کو بلایا جاتا, پھر اس بچے کو بٹھایا جاتا اور اس کی بسم اللہ خانی کرائی جاتی, اور پھر اس کی آنے والی زندگی اور مستقبل کے لیے دعائے خیر کرائی جاتی تھی. اور یہ طریقہ صوفیہ کے یہاں
कसरत से रहा और ये हमारे काबिरों के यहाँ भी रहा, लेकिन फिर दौर जब बढ़ा और फितने परवर दौरों में जब हमारा दाखिला हुआ तो हाल ये है कि कई एक ऐसी मुतबर्रक चीजें जिससे हमारे लिए फायदा था हमने उसे छोड़ दिया और किसी और पर अमल पैदा। छठी छल्ले हमें याद है ना, बर्थडे हमें याद है और न जाने किस किस तरीके की रसूमात होती हैं। अकीके को लोगों ने फर्ज समझ लिया, बिल्कुल करना चाहिए, ये हमें याद है, लेकिन उसके भी उसूल और जवाबित खत्म हो गए, उसे भी उसूल के मुताबिक नहीं किया जाता। उसमें भी मामला यह है कि अकीका हम करें ताकि जो हमने दिया है तो हमको भी मिले, ये एक सोच है लोगों की जो आम तौर पर लोगों के दरमियान होती है। और बिस्मिल्लाह खानी तो मुश्किल से ही हमारे मुआशरे में बची हो। एक साल का हुआ जन्मदिन मनाए, दो साल का हुआ जन्मदिन मनाए, छह दिन का हुआ छठी किए, और वो छल्ला कब करते हैं उसी दिन, चालीस दिन हुआ तो छल्ला कर लिए, है ना। ये रसूमात यार जो कि हमारी नहीं थी और जो हमारे अकाबिरों का तरीका था कि बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, आज कौम जानती भी नहीं कि ये होता क्या है। बिस्मिल्लाह खानी गौसे पाक की हुई, गरीब नवाज की हुई, जुमला बुजुर्गाने दीन की हुई, और ये कहीं ना कहीं बिस्मिल्लाह खानी की बरकत भी थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोलने सुनने समझने की ताकत दी तो घर वाले उसे उसके रब का इस्म याद करा रहे हैं और उसकी जिंदगी कुरान मुबारक कुरान मुकद्दस के मुताबिक मुंतखब कर रहे हैं। आज ये तरीका तो खुदारा गौस पाक की सीरत सुनने का एक फायदा ये कि अब से हम अहद करें कि हम जन्मदिन मनाएं या ना मनाएं, हम छठी छल्ले करें या ना करें, लेकिन जब अल्लाह हमें अगर औलाद दे और उसकी उम्र ये पहुंचे तो हम बाकायदा अपनी इस्तेदाद और हैसियत के मुताबिक अपने घरों में बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम करें। उलमा को बुलाएं, नमाजियों को बुलाएं, गुरबा और मसाकीन को बुलाएं और उनके दरमियान किसी बेहतरीन परहेजगार आदमी से अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, ये उसकी आने वाली जिंदगी के लिए बरकतें होती है। लेकिन इसकी तरफ से तवज्जो हट गई जो सूफिया का अमल था। बहरहाल आपकी जब बिस्मिल्लाह खानी हुई तो सूफिया का एक अमल यह भी था कि जैसे ही बिस्मिल्लाह खानी होती थी तो बिस्मिल्लाह खानी के बाद फौरन किसी मकतब में दाखिला कराया जाता था, मकतब में दाखिला कराया जाता। जब आपकी उम्र हुई गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की बिस्मिल्लाह खानी में खुद आपके वालिद मौजूद रहे, आपके नाना मौजूद रहे और आपके खानदान में जितने भी हैं सब अल्लाह के वली, सब परहेजगार, सब अपने वक्त के बड़े बड़े फकीह, उनकी मौजूदगी में गौसे पाक की बिस्मिल्लाह खानी हुई और करीब ही जीलान के एक मदरसे मकतब में आपका दाखिला कराया गया। जब दाखिला हुआ तो वालिद आपको लेकर पहुंचे और मकतब में आपको छोड़ आए, उस्ताद के सामने गौसे पाक बैठे। अब चूंकि रस्मी तौर पर बच्चा जब पहली बार आया है तो क्या पढ़ाया जाएगा, बिस्मिल्लाह से ही आगाज कराया जाएगा। बिस्मिल्लाह आपने फिर से पढ़ा और आपने अरबी हरूफ की पहचान के लिए आपको मुतवज्जे कराना चाहा तो गौसे पाक ने सीधे कुरान पढ़ना शुरू किया। और कितने पारे ये सबको मालूम है, तकरीबन 18 पारे आपने हिफ्ज कर चुके थे उस उम्र में, जबकि कभी कुरान लेकर बादाबता याद करने नहीं बैठे। जब पूछा तो जवाब क्या हुआ कि मैं अपनी माँ के पेट में था और मेरी माँ चूंकि हाफिज़े कुरान और वो कुरान की तिलावत कसरत से करती है तो बस वो पढ़ती थी और मैंने सुना तो जितना उन्होंने पढ़ा मेरे तवल्लुद के वक्त उतना मुझे याद हो गया। और साइंस ने साबित भी किया है फिर इसे बाद में कि बच्चा पेट में जो ट्यून को सुनेगा है ना, वो ट्यून उसके लिए दिल बहलाने का काम करती है बचपन में और वो उसके दिमाग में नक्श हो जाती है। किसी ने सवाल किया कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो बाकायदा रिसर्च हुआ है और रिसर्च में एक औरत को जो कि प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसको एक म्यूजिक सुनाई गई मुतवातिर कई महीने और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते रोता है वो, फिर जब वो खामोश हुआ तो उसे रुलाया गया और रुलाने के बाद फिर उस म्यूजिक को लगा दिया गया, शुरू किया गया, तो जैसे ही उसने वो उसको सुना तो सुनते ही खामोश हो गया, रोना बंद कर दिया तो वो पूरा डिपार्ट मान गया कि इस्लाम की जो तालीम है
कि बच्चा पेट के अंदर भी दुनिया के अहवाल और बिलखुसूस अपनी माँ के अहवाल जानता है, ये बिल्कुल हक है। और गौसे पाक की विलादत और आपकी वालदा का ये अमल आज हमारी माँ बहनों को तालीम दे रहा है कि अगर रब्बे कायनात तुम्हें इस खुशखबरी से सरफराज करे और अगर तुम्हारे कोख में बच्चा हो, उस वक्त फिल्में देखने से बेहतर, गाने सुनने से बेहतर, गीबतें करने से बेहतर कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। जाहिर है कि अगर ये अमल रहा तो पैदा होने वाला बच्चा बिला शुबा दीन का मुबल्लिग बनता नजर आएगा, उसके अंदर ईमानी बेदारी होगी और ये हकीकत मालूम होगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मकतब में दाखिला हुआ और मकतब में जब आप रोज आना जाने लगे तो उसी वक्त आपकी विलायत का ऐलान भी किया गया, आपकी विलायत का ऐलान। और जो मैंने कल बयान किया था कि आवाज आती, गौसपा खुद फरमाते हैं कि आवाज आती थी कि ए लोगों हटो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बचपन में मेरा दिल चाहता कि मैं बच्चों के साथ खेलूं, मेरा दिल चाहता कि जाकर बच्चों के साथ खेलूं, लेकिन मैं जैसे ही अज़्म करता कि जाऊं तो कोई मुझे आवाज देता और कहता ए अब्दुल कादिर, तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तू अपना वक्त खेल में जाया कर। बस ये सुनता मुझ पर एक रिक्कत तारी होती और मैं जाकर अपनी वालदा की आगोश में बैठता और जब मेरी वालदा से इस अल्फाज के तर्जमानी सुनना चाहता तो मेरी वालदा कहती अब्दुल कादिर, तुम्हें रब ने अपने जिक्र के लिए भेजा है, तुम अपने रब का जिक्र करो। बचपन में तकरीबन 10-12 साल की उम्र आपकी थी तो आपने देखा होगा ना, बच्चों में एक आदत होती है कि रास्ते में अगर कोई जानवर है तो उनको छेड़ना, लात मारना, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता। तो सरकार गौस पाक भी जा रहे थे और बचपने की उम्र है तो एक गाय बैठी हुई थी सड़क पर, आपने देखा कि उसकी पूंछ है तो आपने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे खींचना चाहा, तो जैसे ही खींचना चाहा तो वो गाय आपकी तरफ मुतवज्जे हो गई और मुतवज्जे होकर आपसे कलाम करती है और कहती है ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया है कि तुम आम बच्चों की तरह शरारतें करो, रब ने तुम्हें किसी और मनसब के लिए भेजा है। और बात फरमाते हैं मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया कि मुझसे कलाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गाय जो आम तौर पर इंसानों की तरह कलाम नहीं करती, लेकिन उसने मेरी गलती पर मुझे आगाही दिलाई और मेरे आने और पैदा होने के मकसद की तरफ मुझे रहबत दिलाई। ये सरकार गौस पाक का बचपन है। और फिर इसके बाद के बड़े कम वाकयात मिलते हैं कि उन बचपन में, जैसे बचपन में आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे बच्चों के साथ खेलते और खेल में किसी बच्चे को मार दिया करते थे। आपका खेल क्या था? बच्चों को मार देते थे, खेल खेल में बच्चों को मार देते और फिर जब कहते उठ तो वो बच्चा उठ भी जाता। और ये तो गौस पाक की बात है। कुछ लोग मौजूद हैं यहां आज भी जो गौस पाक की औलाद है, आज भी जो गौस पाक की औलाद है उनके अहवाल का हाल भी ये है कि वो किसी का बाजू काट दें, किसी की जबान काट दें, किसी का ये निकाल दें। और बाप भी गौस पाक की औलाद, बेटा भी उसी नस्ल से, तो आज भी ऐसे वाकया है ना, चूंकि वो अनुमान से बाहर है इसलिए, लेकिन ये सच्ची बात है इसीलिए कह रहा हूं। तो आज भी यह हाल है कि उन्होंने सिर्फ इशारा किया तो उनके इशारों से जुदा हुआ आजाब फिर वापस लगता नजर आया। सरकार गौस पाक के लिए ये आम बात थी कि आप बच्चों के साथ खेलते और खेल में बच्चों को मार दिया करते, फिर आप जला दिया करते। बचपन में आप ज्यादातर वालिद के इंतकाल के बाद जीलान में अपने नाना की खानका के करीब होते थे, हजरत अब्दुल्ला सोमई आपके नाम है। तो आपके नाना का हाल यह कि साहेब कश्म बुजुर्ग थे और एक हुजूम लगा होता था आपकी खानकाह में। तो एक औरत आई जो बांझ थी, अपने आप को कहती थी कि मैं बांझ हूं और उसको कोई औलाद नहीं, बड़ी तमन्ना थी। हजरत अब्दुल्ला सोमई की खानकाह में गई और जाकर कहती है कि हुजूर, आप चूंकि पैगंबर इस्लाम की औलादों में हैं, आप मेरे हक में दुआ फरमाए कि रब मुझे औलाद दे दे। तो अल्लाह ने औलिया को लोहे महफूज पर देखने की ताकत अता फरमाई, ये तकदीर और मुकद्दर देख लेते हैं।
आपने देखा, कहा तेरे हक में कोई औलाद नहीं, कहा लोहे महफूज तेरा मुकद्दर औलाद से खाली है, तो कहा हुजूर आप अल्लाह वाले दुआ कर दें। आप फरमाते जब मुकद्दर में नहीं तो फिर दुआ क्या करूं। वो मायूस होकर जब लौटने लगी तो खानकाह के बाहर अक्सर गौसे पाक रहते थे, बचपने में अक्सर गौसे पाक खानकाह के बाहर बैठे होते थे। जब औरत का मायूसपन देखा तो कहा क्या हुआ, वो औरत ने अपने आने का सबब बताया, कहा मुझे मना कर दिया गया। सरकार गौसे पाक फरमाते तूने दिल से नहीं बोला होगा, जा जाकर दिल से मांग तुझे मिलेगा। वो औरत फिर चली गई और जाकर कहा कि हुजूर मुझे बेटा दे दे, बच्चा दे दे, आप दुआ करें अल्लाह अता करेगा। तो आपको कुछ जलाल आया और कहा कि जब मैंने लोहे महफूज पर देख लिया कि तेरे नसीब में औलाद है ही नहीं तो क्यों बार बार चली आती है। तो वो औरत फरमाती है हुजूर मैं तो चली गई थी लेकिन बाहर एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा बैठा है, वो मुझसे हाल पूछता और मुझे कहता है जाकर फिर के। तो नाना समझ गए कि कहने वाला कौन है। आप जलाल में कहते हैं कि मेरे इख्तियार में तो नहीं कि दे दूं, उससे कह कि अगर तेरे इख्तियार में है तो तू ही दिला दे। सरकार गौसे पाक के पास वो औरत आई और आकर कहती है बचपन में गौसे पाक के, फरमाती है बेटे वो जो अंदर बैठे हैं उन्होंने तो मना कर दिया लेकिन हाँ ये कहा है कि अगर तू दिला सकता है तो दिला दे, मुतलक इजाजत है। आप फरमाते हैं बस इसी इजाजत का तो मुतमन्नी था और जब इजाजत मिली तो आप फरमाते जा हमने तुझे एक बेटा अता किया। वो कहती है आप अल्लाह वाले आपने जब आलम वजद में आए कहा दो अता किए, कहा तीन अता किए, आपने सात बेटों की उसे बशारत दी और रब्बे कायनात ने उसे सात बेटे अता फरमाए जो कि लोहे महफूज पर नहीं लेकिन गौसे पाक के जुमलों से अल्लाह ने मुकद्दर को तब्दील कर दिया। ये सरकार गौसे पाक की शान थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम भी, हम बड़े खुशनसीब लोग हैं, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि अगर हमारी जबानों पर गौसे आजम का नाम आ रहा है ये गौसे पाक चाह रहे हैं तो आ रहा है। गौसे पाक फरमाते मैं ना चाहूं तो मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला का हाल ये था कि बचपन में ऐसी एक नहीं कई एक करामतें कि आप लोग जब मायूस होते अपने मुकद्दर से और बारगाहे गौसे आजम में पहुंचते तो आप मिनटों में उनके मुकद्दर को बदल दिया करते और जो उनके नसीब में ना होता रब्बे कायनात उन्हें वो भी अता फरमा देता। आपकी उम्र 18 बरस की हुई तो फिर आपने बगदाद से कूच किया, 18 साल की उम्र में बगदाद से निकले, जीलाम से आप बगदाद की तरफ निकले थे। आपकी वालदा के आप लौते बेटे बचे थे, एक आपके जो भाई थे उनका इंतकाल हो चुका था, आपने अपनी वालदा से इजाजत ली चूंकि जो जरूरी तालीम थी कुरान पाक की और कुछ इब्तदाई किताबें वो आपने अपने शहर अपने इलाके में ही उसको पढ़कर तकमील तक पहुंचा दी। वालदा से इजाजत मांगी कि अम्मी अब मैं जाना चाहता हूं बगदाद, और बगदाद उस वक्त जो है वो मदीनतुल औलिया था, एक दारुस सल्तनत थी, कैपिटल था इस्लाम का, इस्लामी कैपिटल कहलाया जाता था बगदाद, इसीलिए मौलाए कायनात ने मदीने से मुंतकिल कर दारुस सल्तनत राजधानी इराक को ही चुना, यानी कूफा शहर को इराक को ही चुना। लेकिन कूफा उससे पहले और फिर उसके बाद हमेशा हर दौर में बगदाद मौला जो है वो कैपिटल रहा इस्लामी हुकूमत का। आमतौर पर बादशाहों ने औलिया अल्लाह ने अकाबरीन ने वहीं अपना बसेरा किया और वहीं से निजाम इस्लाम को चलाया। और मदीने को क्यों छोड़ा, क्योंकि जहां सियासत होती है जहां निजाम होता है वहां फितने भी होते हैं फसाद भी होते हैं, और तमाम अल्लाह वालों ने नबी पाक के शहर की हुरमत की वजह से ये तमाम चीजों को वहां से ढूंढ लिया ताकि मुस्तफा जान रहमत के शहर में कुरान की रोशनी में कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंदा करो, वहां कत्लो गारत गिरी ना हो, वहां फितने ना हो। तो तमाम औलिया सहाबा ताबईन ने बगदाद और इराक की तरफ रुख किया। इमाम हदाली वहां है, इमाम आजम हमारे इमाम जिनकी हम पैरवी करते हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनके इमाम सरकार गौसे पाक मुकल्लिल हैं,
یہ سب کے سب بغداد میں بڑے بڑے اکابر بزرگ کئی انبیاء علیہ السلام بغداد اور بغداد کے اطراف میں موجود ہیں. آپ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ والدہ مجھے جانا ہے, والدہ نے اجازت دے دی. اور آپ سوچیں قربان جائیں ان ماؤں پر کہ ایک بیٹا تھا وہ بھی امت محمدی کے لیے قربان تھا, وہ بھی دے دیا. اور سرکار غوث پاک کو 18 سال کی جوانی میں آپ نے چند اشرفیاں دے کر اور اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتی جملے دے کر کہا بیٹا ہر حال میں سچ کہنا. پھر یہ واقعات آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنے ہیں کہ راستے میں آپ کی اسی حقانیت اور صداقت سے نہ جانے کتنے گمراہ راہ راست پر آئے. اور جس وقت آپ بغداد پہنچے تھے بغداد قحط کا شکار تھا, بھکمری کا شکار تھا. اور آپ کے ابتدائی حالات جو بغداد کے ہیں وہ ایسے گزرے ہیں کہ جب کبھی انہیں کتابوں میں پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ غوث پاک نے کتنی مشقت کے بعد یہ مقام پایا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میں غوث پاک کی جو بغداد کی ابتدائی زندگی ہے اس کے تعلق سے گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب ہے الحمدللہ بزم نوری جو چھندواڑہ میں ہے اور چھندواڑہ کے علاوہ بھوپال سے لے کر کئی ایک شہروں میں اسی طرف پر ایک ہی طرف پر کام کر رہی ہے. مقصد صرف یہ ہے امر بالمعروف کہ لوگوں تک اکابروں کی تاریخ پہنچانا اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں. اور لوگوں کو اپنے اکابرین کی سچے عقیدوں سے منسلک کرنا. تو الحمدللہ چاندہ میٹا کی سرزمین پہ 200 بزم نوری ہو چکی ہے, یعنی 200 ہفتے ہو گئے. اور 211 ہفتوں میں چھندواڑہ ضلع بزم نوری نے مشورہ کر کر پورے علاقے کی یہ طے کیا کہ ابھی تک جلسے جلوس کروا کر یہ ہوتا تھا کہ عام طور پر 1.5 لاکھ روپے خرچ کیے لوگوں نے, بالکل علماء سے فیضیابی حاصل کی تقریب, لیکن اس سے فرق کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, فائدہ نہیں آیا. ہماری قوم کے اندر پریورتن دکھی نہیں رہا ہے نا. آپ خود دیکھیں ہمارے شہر میں کتنے بڑے بڑے جلسے نہیں ہو رہے, کس کس کو نہیں بلا رہے ہو, لیکن حال میں اتنی سی بھی تبدیلی آئی, اتنا بھی بدلاؤ آ رہا ہے؟ بلکہ وہ ایک, میں کہوں تو وہ بن چکا ہے ایک شوق, بن چکا ہے ایک شوق بن چکا ہے کہ تم نے انہیں بلایا تو ہم انہیں بلائیں گے, تم نے انہیں بلایا تو ہم انہیں. اور بعض اوقات یہ ایک انا پر بھی بات ہو گئی ہے لوگوں کی. بہرحال لیکن جو جیسا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دیتا ہے وہ اس کی عقل اتنی ہی کام کرتی ہے, سمجھ آئے؟ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 200 بزم نوری میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ, وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو رغبت ہو دین کی طرف. یہ ایک کتاب ہے آؤ دین سیکھیں, یہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, تقریباً اس میں پیج ہیں 38 پیج ہیں. یہ 38 پیج کا رسالہ جس میں ضروریات دین ہے, یعنی جو فرض علوم جس کو ہر ایک مسلمان کو جاننا لازم ہے, عقائد سے متعلق, ولایت سے متعلق, انبیاء سے متعلق, نمازوں سے, نماز جنازہ, غسل. تو بالکل مختصر انداز میں اس کے اندر سوال و جواب کی شکل میں موجود ہے. اچھا ظاہر ہے کہ عام طور پر ایسے رسالے کئی بٹے اور بٹتے ہیں, آدمی لیتا ہے اور لینے کے بعد اگر دل ہوا تو پڑھا, ورنہ اس کے گھروں میں وہ گرد کھاتی پڑی ہے اور لوگوں کے اندر اب مطالعے کا بھی شوق نہیں بچا. اور ظاہر ہے کہ یہ دور ہے ٹارگیٹ والا, ہے نا بھائی, ہر آدمی لگا ہے نا کمپٹیشن میں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ اس میں لگا ہوا ہے, ٹارگیٹ ہے تو محنت کر رہا ہے, اور ٹارگیٹ نہیں تو پھر کوئی محنت نہیں. ہمارے ہاں اس دین میں ہم نے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں رکھا, جبکہ یہود و نصرانہ نے اور عیسائیوں نے جو اپنے لوگوں کو اتنا مضبوط بنایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ہر ایک چیز میں انہوں نے ٹارگیٹ رکھا, ہر ایک چیز میں ٹارگیٹ رکھ کر اپنی قوم کو آگے بڑھایا. تو یہ کوشش کی کہ اس کتاب کو لکھے, اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یعنی لوگوں کے درمیان لانے کا کہ سوال و جواب کی شکل میں یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کی قیمت 100 روپے, کتنی؟ 100 روپے. یہ 100 روپے جو آپ دیں گے تو ایک تو کتاب حاصل کر کر علم حاصل ہوگا, اور پھر اسی کتاب کے ذریعے باقاعدہ جیسے اسکول اور کالجز میں اگزام ہوتے ہیں اس کے اگزام لیے جائیں گے, سینٹر بنیں گے الگ الگ جگہ, اور علماء کی نگرانی میں
बाकायदा इस किताब में जो सवाल जवाब हैं इसके एग्जाम, जिसमें किसी तरीके की नकल, अच्छा टिक वाला होता तो नकल भी चल जाती, लेकिन इसमें टिक वाला मामला भी नहीं है। आपको बाकायदा जैसे स्कूल कॉलेजेस में आप एग्जाम देते हो वैसे आपको देने हैं, और इसमें आला दर्जे से जो पास होगा तो इनाम क्या दें उसको, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, है ना, आमतौर पर यही होता है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह इन नौजवानों की सोचों को सलामत रखे कि इनाम के जिसका दीन पढ़ रहे हैं इनाम में भी उसकी बारगाह में पहुंचाया। तो इसमें पास होने वाले के लिए जो अव्वल दर्जे से होगा उसको उम्रे पे पहुंचाया जाएगा, है ना। तो इसका टाइटल भी है 100 रुपए में उम्रा कर लो। अच्छा 100 रुपए में आपने दीन भी सीख लिया, और अगर बुलावा हो तो मुस्तफा के दरबार में हाजिरी भी। फिर उसके अलावा जो और दिगर नीचे इनाम है, किसी को अजमेर शरीफ पहुंचाए, किसी को किसी और बुजुर्ग की बारगाह में, तो वो एक तफसील के साथ मौजूद है। हमारे वहीद भाई जो मजमे नूरी के सदर और जो भी कारकुरिन है, इन सबके पास ये किताब मौजूद है। तो आप किसी भी गरज से, इस गरज से, अच्छा पहले आप कुछ सोचें कि मेहनत कर कर मदीने जाना, ये बुजुर्गों का तरीका है, और ये चुना जाएगा, ये स्पेशली चुना जाएगा कि इसे चुना है मुस्तफा जाने रहमत। इसकी वजह यह है कि इसने मेहनत की इस लालच के साथ कि इलम तो आएगा ही आएगा, अगर मैं चुन लिया गया तो मुस्तफा के दरबार में बुलाया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये हमारे कारकुरिंदों के पास ये किताब मौजूद है, जिनको लेना है वो इनसे रब्ता कायम कर लें। देखिए पीछे बाकायदा एक एडमिट प्रवेश पत्र जिसको कहते हैं वो मौजूद है, जब आप लें तो इसमें अपना नाम, पता, उम्र, अपना जेंडर, ये सब लिख दें, और एक हिस्सा आप ले लें, एक हिस्सा किताब में आपके साथ, आप एक किताब वाले को वापस दे दें और एक आपके साथ किताब में रहेगा। जब एग्जाम की तारीख आएगी और जिस दिन जहां भी छिंदवाड़ा में सेंटर होगा, और जब आपको इसका इम्तहान देने जाना है तो ये लेकर जाना है सर, ये आपके पास मौजूद होगा, तो आपको एग्जाम में बैठकर इस किताब के सवाल और जवाब के मुताबिक आपको इम्तहान देना है, फिर अल्लाह की मर्जी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जब मिला तो देखा कि लोगों को रग़बत हुई, वो ऐसे नहीं पढ़ते, कम से कम इस नीयत के साथ पढ़ लेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये एक दीनी काम है हमारे इलाके, हमारे जिले के लिए, हमारे अतराफ में लोगों तक दीन पहुंच जाए, तो आप खुद भी अपनी तरफ से इसमें कोशिश करें, लोगों को रग़बत दिलाएं, क्योंकि एक अच्छाई की बात किसी तक पहुंचा देना ये सदकाए जारिया है। अगर ये काम आपने किया, आपकी रग़बत पर लिया, अल्लाह आपको अजर इसका देगा। तो मेरी गुजारिश है इनसे राबता करें और इसमें हिस्सा लें, ताकि इस कार खैर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता करे।